आपको बता रहे हैं झांसी से, जहां पर मेडिकल कॉलेज में आग लगने का मामला सामने आया है। कई लोगों के फंसने की भी जानकारी मिली है। एक बड़ी खबर आपको झांसी से बता रहे हैं, जहां पर वार्ड के अंदर कई बच्चे फंस गए हैं और टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड में आग लग गई है और कई बच्चों के वार्ड में फंसे होने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। झांसी से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और झांसी से अश्विनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अश्विनी, क्या अपडेट है? देखिए, ये SMQ वार्ड है, नजर पिछू वार्ड है, यहाँ पर आग लगी है। इसके बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी तक जारी है। तो तमाम जो पुलिस अधिकारी, तमाम जो सफाई अधिकारी पहुंच गए मेडिकल कॉलेज के अंदर। जो नवजात वार्ड बना है उसमें भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण जो प्रसंग बताया गया है वो विस्फोट बताया गया है। अभी विस्फोट किस चीज में हुआ, सिलेंडर में हुआ है या ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ है, इसको लेकर फिलहाल जो मौके पर जो मेडिकल कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं, जिलाधिकारी खुद मौके पर आ चुके हैं। तो फिलहाल अभी जो आग बुझाने का काम है वो लगातार चल रहा है। फायर ब्रिगेड कई गाड़ियां आ चुकी हैं। अभी अधिक जानकारी ये मिली है कि जो आग लगने का कारण है वो शॉर्ट सर्किट जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, हम अभी कुछ वीडियो हम आपको भेजे, उसमें आप देख सकते हैं कि जो नवजात शिशु गृह वार्ड है उसमें कई बच्चे थे जो उसका इलाज चल रहा था। बताया गया है कि कई बच्चे जो निकाले गए हैं बाहर। अभी तक क्या हालात है इसको लेकर फिलहाल जो जिला प्रशासन के स्तर से, अश्विनी कितने बच्चे अंदर मौजूद थे, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई है? जी, अभी हम बात करें बच्चों के फंसे होने की तो आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 50 बच्चों का अंदर इलाज चल रहा था। वो बच्चे सब वही भर्ती थे, अचानक जो शॉर्ट सर्किट से आग लगी, अर्थात आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही लोग अंदर बाहर निकल पाए हैं और अभी जो तमाम बच्चे हैं वो झुलस गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन हो या जिला प्रशासन के स्तर से भी इस तरह कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कई गाड़ियां दमकल की मौके पर आ चुकी हैं। सकरा वार्ड बना हुआ है और काफी पतली गली है, इसके चलते ही यहाँ पर जो आग बुझाने का जो काम है वो थोड़ा देरी से हो रहा है। अंदर काफी धुआं भरा हुआ है, कई बच्चे बताया जा रहा है झुलसे हैं, बताया जा रहा है। लेकिन अश्विनी, आग कैसे लगी है, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है और क्या मेडिकल कॉलेज के अंदर फायर सेफ्टी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जिसके चलते आग इतनी ज्यादा फैल गई? देखिए, आग लगने का कारण है वो बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है बताया गया है। और जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो फिलहाल वहां पर नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। इसके चलते जो शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट काफी बड़ा हुआ, आग बुझाने में नाकाम रहा है फिलहाल जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है। इसके चलते ही बड़ी आग फैली है वार्ड के अंदर। नवजात बच्चों का वार्ड है, नवजात बच्चे थे वो वहाँ भर्ती, उनका वहाँ इलाज चल रहा था। कहीं ना कहीं बड़ी चूक मान सकते हैं मेडिकल कॉलेज प्रशासन की, जिस तरह से बड़ी आग लगी और आग बुझाने में नाकाम साबित हुआ मेडिकल कॉलेज प्रशासन। वहां पर जो आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं वो नहीं थे बताया जा रहा है, जिसके चलते आग फैलती चली गई। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो महिलाएं हैं वो बच्चों को गोद में लेकर निकल रही है और रो रही है। ऐसा लगा, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आग है और काफी छोटा रास्ता है वार्ड के अंदर जाने के लिए, जिसके चलते ही आग बुझाने में जो दमकल कर्मी है उनको समस्याएं आ रही है। कुछ लोगों के झुलसने की और दम घुटने की भी अपडेट मिल पा रही है, कुछ लोगों की मौत की भी जानकारी कई न्यूज एजेंसी दावा कर रही है, तो क्या आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई अभी तक? देखिए, अगर हम बात करें आधिकारिक तौर ये बात करें, अगर आधिकारिक बात नहीं करें तो जो यहाँ पर जो बातें चिलकल सामने आ रही है उसमें तकरीबन 8 ऐसे बच्चे हैं जो शायद जल गए हैं, उनको शायद उनका पता नहीं चल रहा कहाँ है। इसके अलावा जो तमाम ऐसे बच्चे हैं जो झुलसे हैं उनको फिलहाल बाहर भी निकाला गया है। हालांकि मौत की पुष्टि या फिर गंभीर रूप से झुलसे बच्चों की पुष्टि के लिए फिलहाल मेडिकल प्रशासन के स्तर पर कुछ नहीं है। आप बने रहिएगा, एक बार जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, झांसी से एक बड़ी खबर है जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के NICU में भीषण आग लग गई है। कई बच्चों के वार्ड में फंसे होने की जानकारी है। रेस्क्यू अभियान भी जारी है, जिला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है और लगातार आग पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है और सिलेंडर ब्लास्ट होने की
जानकारी मिली है और जानकारी ये भी है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद में आग लग गई और कई बच्चों को बाहर निकाला गया। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला है जी। बताइए और क्या अपडेट मिल पा रही है। अश्विनी तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके सामने हैं, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज 18 दिखा रहा है। देखिए आग पर लगातार कंट्रोल पाने की कोशिश की जा रही है। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ था जिससे आग लग गई और कई बच्चों के अंदर फंसे होने की जानकारी है। दम घुटने के चलते कई लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई है और इस वक्त मौके पर हड़कंप जैसी स्थिति मची हुई है। अश्विनी बताइए और क्या अपडेट मिल पा रही है ग्राउंड जीरो से। देखो ग्राउंड जीरो की बात करते हैं तो अभी यहाँ पे जो दमकल के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि जो अंदर आग लगी है उसको बुझाने का काम जारी है। ये नई अपडेट हमको मिली है, तकरीबन 1.5 घंटे से पहले आग लगी थी नवजात शिशु गृह में, वहां पर आग अब तक काबू नहीं पाया गया है। धुआं काफी भरा है, बताया जा रहा है कि अगर बच्चों की मौत होने की जानकारी मिलेगी तो कहीं ना कहीं जो धुआं है वो बड़ी वजह होगी जिसके चलते बच्चों की मौत हुई है। हालांकि अभी ये आधिकारिक जानकारी नहीं मानी जा सकती है। हाँ बच्चे झुलसे बहुत है, ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को लेकर बाहर निकल रही हैं और रो रही हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बच्चे झुलसे हैं। बड़ा हादसा सामने आया है मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बात। क्या एज ग्रुप के बच्चे अंदर मौजूद थे? जो तस्वीरें सामने आ रही है, आपने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकल रहे हैं, किस एज ग्रुप के बच्चे हैं जिनके झुलसने की जानकारी है? देखिए ये जो महिलाएं प्रसूति विभाग कह सकते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनके बच्चे यहाँ पर होते हैं, तो ये नवजात शिशु यानी जो बच्चे बिल्कुल जन्मे होते हैं वो बच्चे होते हैं, उनका यहाँ इलाज चलता है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे जिनका यहाँ इलाज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर एक वार्ड था, नवजात वार्ड था, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और आग पर काबू नहीं पाया गया, बच्चे घिर गए, धुएं में घिर गए, आग में घिर गए, तो ये मान सकते हैं कि बहुत बड़ी चूक, यानी अब तक की सबसे बड़ी चूक ये मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से आग को काबू में नहीं किया गया, बच्चे बाहर नहीं निकला जा सके, जो महिलाएं भर्ती थी वो नहीं निकल सकी, तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जरूर है। फिलहाल आधिकारिक रूप से या जिला प्रशासन के स्तर से अभी तक किसी ने हमें ये नहीं बताया है कि कितना बड़ा हादसा है, कोई हताहत हुआ है या नहीं हुआ। हाँ घायल जरूर है और कई ऐसे भी मामले सामने आएंगे जिसको लेकर के साफ बताया कि कितना बड़ा हादसा है। तो फिलहाल मौके पर दमकल के तमाम